अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं एसएम महमूद एंड वेलकम टू ज़ायंस। लास्ट वीडियो में हमने अपने लॉगिन और रजिस्टर पेज के टेस्ट केसेस को कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में हम वहां से कंटिन्यू करेंगे और सबसे पहले फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे जिसके थ्रू हम अपने साइप्रस ऐप में इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं, उसके बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए क्योंकि हमें यूज़र का जो ऑथेंटिकेशन डिटेल्स होती है जो हम ऐप में सेट करते हैं वो रिक्वायर है, हम उन ऑथेंटिकेशन डिटेल्स को एक एक्चुअल ब्राउजर में बेसिकली लॉगिन करेंगे, वहां से ऑथेंटिकेशन डिटेल्स को कॉपी करेंगे और उनको बाद में इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के थ्रू यूज़ करते हुए यूज़र को अपने टेस्ट केसेस में प्रोग्रामेटिकली लॉगिन करवाएंगे। सेकेंड और लास्टली फिर हम जब यूज़र लॉगिन हो चुका होगा उसके बाद हम माई अकाउंट पेज पर उसके जो टेस्ट केसेस हैं उनको डिफाइन करेंगे। इस काम को हम आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे ब्राउजर में आ जाऊंगा और हम सर्च करेंगे साइप्रस एनवायरनमेंट वेरिएबल, ये आ गया और इस पे आ जाते हैं। इसमें भी चले जाएं, जो भी है ये गाइड में ही आ जाते हैं। और यहाँ पर बेसिकली आप इसको पूरा स्टडी करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जो जो चीज़ें रिक्वायर हैं मैं उनमें ही काम कर रहा हूँ। ये इस पे भी इन्वायरमेंट वेरिएबल कर सकते हैं लेकिन मैं ये स्पेसिफिक फाइल के थ्रू जा रहा हूँ। हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, हम ये फाइल क्रिएट करेंगे, यहाँ पर आ जाऊँगा और इसको क्लोज कर दूँगा। यहाँ से इसे क्लोज साइप्रस में एक सॉरी यहाँ पे मेन पे क्रिएट होगी जहाँ पे साइप्रस कॉन्फ़िग गया ये, और इसमें बेसिकली जेसन लाइट स्ट्रक्चर के साथ आप जो आपको डाटा चाहिए वो आप कर लेंगे। लेट्स से मुझे यूज़र ऑथ या ऑथ डिटेल्स कर लेते हैं, जैसे भी आप लिखना चाहें ऑथ डिटेल्स। और इसमें आ जाएगा टोकन जिसकी कुछ वैल्यू होगी और साथ में यूज़र डाटा उसकी कुछ वैल्यू होगी। ये डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में जब आप लॉगिन करते हैं तो क्या क्या डिटेल आप सेव करते हैं, ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वैरी करेगा। क्योंकि हम जब इस एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे थे हमने इसकी ऑथेंटिकेशन को काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा था। यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड मैं करके आपको दिखा देता हूँ इसकी ऑथेंटिकेशन। अभी ये जो है ये टेंस्टैक क्यूरी के हैं, ये हमारे नहीं है। सबमिट करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन डिटेल शो होती है। ओके जस्ट वन मिनट, यहाँ पे लॉगिन की एपीआई प्रेस हुई है और यहाँ पे वापस आता हूँ मैं। सॉरी एप्लीकेशन है ये, शायद ये पासवर्ड है इसका। सबमिट, ये हमारा जो डिटेल हम सेट करते हैं वो ये दो हैं बेसिकली, क्योंकि हम कैपेसिटर स्टोरेज को यूज़ कर रहे हैं तो इस वजह से ये फ्रंट में आता है। उसके बाद हम इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, ये दो डिटेल्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर फ्रंट एंड में। हम इनको एज इट इज़ अगर अपनी बेसिकली प्रोफाइल में सेट कर देंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अगर एक प्राइवेट टैब ओपन करता हूँ, लोकल होस्ट उसमें ओपन करता हूँ, और अभी क्योंकि इसकी लोकल स्टोरेज में कोई की नहीं है मैं सिर्फ यहाँ पे आता हूँ, इस की को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इस की को जनरेट करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ इस की को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इस की को जनरेट करता हूँ, इसकी वैल्यू कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसकी वैल्यू कॉपी करता हूँ यहाँ पर और रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये लॉगिन हो चुका होगा क्योंकि हमारी जो ऑथेंटिकेशन की स्टेट है वो इन दोनों से कंट्रोल हो रही है। यही काम हम अपने साइप्रस में भी करेंगे। उसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ ये डिटेल रिक्वायर है। अब इसमें से एक, अब इन दोनों में से एक जो चीज़ है वो बेसिकली ऑथेंटिकेशन टोकन है और दूसरा जो है वो यूज़र डाटा है। उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और यूटिल्स में कॉन्स्टेंट्स में यहाँ से हम मेन में आ जाएंगे। मुझे लोकल स्टोरेज की जो कीज़ हैं, लोकल स्टोरेज कीज यहाँ पर ये रहा यूज़र डाटा,
फैक्ट ऑफ डेटा, ये कहाँ से आ रहा है, ये कॉन्स्टेंट्स में से आ रहा है और ये चीज़ मुझे चाहिए। यहाँ इसके लिए जो यूज़र डाटा है वो ये है, हम यहाँ पर आएंगे, ये जो है टोकन है और ये यूज़र डाटा है, डन। मैं इसकी वैल्यू कॉपी करूँगा और यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में टोकन में पेस्ट कर दूँगा और इसकी वैल्यू कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। आप चाहें तो ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा मैसेज भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसको एज इट इज मैनेज कर लें। सबसे पहले हम इसको यहाँ पर कॉल करके देखेंगे ताकि हम ये देख सकें कि कॉल कैसे करते हैं, और ETC वगैरह उसके लिए हमें यहाँ पर हेल्पर फंक्शन में वो चाहिए जो लॉगिन वगैरह करवाएगा, उसकी तरफ बाद में जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम एक फाइल बना लेंगे, माई अकाउंट, उसमें आगे और इंडेक्स डॉट CY डॉट TX, सॉरी TS, ये हो गया। और यहाँ पर अब वंस अगेन मैं यहाँ से ही जो स्टार्टिंग स्ट्रक्चर है उसको फॉलो कर लूँगा ताकि हमें बहुत कुछ लिखना ना पड़े। ओनली वाले को रहने देंगे, स्किप वालों को डिलीट कर देंगे, यहाँ से इस दोनों को डिलीट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर चेंज कर दूंगा मैं लॉगिन यूजर इनटू द ऐप यूजिंग साइप्रस ENV वेरिएबल्स। यहाँ पे आ जाते हैं और सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को यहाँ पे मैं लॉग करवा के दिखाता हूँ, CY लॉग, ताकि हम ये देख लें कि ओके हमारे पास ये आ गए। उसके लिए साइप्रस डॉट ENV ये, और यहाँ पर अब नाम यूज करेंगे जो कि हमें यहाँ पे हमने यूज किया है, ये जो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। इसके लिए मैं एक चीज़ सिर्फ यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ पर जो फाइल है उसको ओके, ऑब्वियसली इसको गिट इग्नोर में भी ऐड करना है, ये पहले कर लेते हैं ताकि ये चीज़ हम भूल ना जाए। यहाँ पे हम एक सिंपल रूल लिखेंगे, एवरीथिंग डॉट ENV, सिंपल। कोई भी अगर ENV की फाइल है और एंड पे एवरीथिंग कर देते हैं ये, और एक विदाउट, या फिर और सिंपल इसको कर सकते हैं कि ENV अगर, लेकिन ENV अगर ऐसे करेंगे तो वो ज़रा मसला हो सकता है, ये कर देते हैं, दैट्स इट। ये भी हो गई स्किप और ये भी स्किप हो गई, इसको क्लोज कर देते हैं, वापस आते हैं। यहाँ पे एक चीज़ सिर्फ मैं चाह रहा हूँ, ये क्या कह रहा है कि जो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल है, मैं ये चाहता हूँ कि इसको हम किसी JS की फाइल में रख लें, दैट्स इट। इन्होंने अभी सिर्फ JSON की फाइल ही प्रोवाइड की है, अगर JS वगैरह की या TS की फाइल होती तो उसका फ़ायदा ये होना था कि हम उसको बेसिकली उसमें इंपोर्ट वगैरह को यूज़ कर सकते थे। अभी के लिए ये चलेगा। यहाँ पे आते हैं और अब यहाँ पे जो चीज़ें होंगी उनको हम ज़रा इम्प्रूव करेंगे, जो कि सबसे पहले वही लोकल जो कॉन्स्टेंट्स को मैं ओपन करता हूँ, इसमें ये चीज़ है। और हम ऐसे करते हैं कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में इनके नाम को भी सेम रख लेते हैं, इससे हमें फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसके नाम को सेम रखने की कोशिश करेंगे तो वो मैच नहीं करेगा, क्योंकि जब हम इसकी की को करेंगे तो वो वहाँ पर डिफरेंट होगी, इसको हमें यहाँ पे करना ही पड़ेगा। यहाँ पर आते हैं, एक करते हैं कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे डायरेक्टली ENV कीज स्लैश इंडेक्स डॉट TX, और इसमें एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ENV कीज और यहाँ पे देख लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट में मैंने कैसे ENV कीज को किया था, क्या नाम दिया था, ताकि ENVs कहा है,
लेकिन यहाँ पे सी वाई ई एन वी से होगा। बाकी कन्वेंशन फॉलो करेंगे और यहाँ पर अब मैं ऑथ डिटेल नहीं कह रहा, मैं सिंपल यहाँ पे इसको सिंपल रख रहा हूँ, यूजर डाटा यूजर ऑथ टोकन, यूजर ऑथ टोकन सिंपल इस तरह। इससे ये फ़ायदा होगा कि ये चलें इसके साथ थोड़ा सा मैच कर जाएगा। इसको सेव कर लेंगे, इसको ऊपर आपने करना तो ऊपर कर लें, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, सेव। अब यहाँ पर यूज़र डाटा जो कि इसके इक्वल होगा और यूज़र ऑथ टोकन जो कि इसके इक्वल होगा, इसको रीड ओनली बना लेंगे। यहाँ पे आएंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे यूज़र डाटा, और इसके साथ ही ये काम हो गया, इसको कॉपी करेंगे और यूज़र ऑथ टोकन, दैट्स इट, सेव। यहाँ पे आते हैं, ये क्या कह रहा है, एरर रीडिंग दिस, नो प्रॉब्लम, ट्राई अगेन, सिंपल। यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारे पास माई अकाउंट है और इसमें लॉग, ओके ये वैसे लॉगिन पे नहीं था जाना चाहिए, खैर यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यूज रीड हो गई हैं, लेकिन यहाँ पे हमें लॉगिन पे जाने की जरूरत नहीं थी, हम सिंपली सिर्फ ऐप को विजिट करें और ऐप में जो रूट यूआरएल है उसको विजिट कर लें, दैट्स इट, रूट यूआरएल, क्योंकि यहाँ पे हमें एज सच कुछ भी अभी नहीं चाहिए। ये जो अनयूज्ड इम्पोर्ट्स हैं उनको बस वेरीफाई कर लेते हैं इस फाइल में, दोनों में कहीं अनयूज्ड इम्पोर्ट्स हैं कि नहीं, अगर हैं तो उनको ख़त्म कर दें, यहाँ से भी अभी के लिए ख़त्म कर दूंगा, जो जो चाहिए होगा उसको इम्पोर्ट करके जाएंगे, दैट्स इट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आ गए हैं। अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे और एक हेल्पर फंक्शन लिखेंगे जिसके थ्रू हम यूज़र को अपने ब्राउज़र प्रोफाइल में, जो बेसिकली ये साइप्रस में रनिंग है, इसमें लॉग इन करवाएंगे। कंटिन्यू करते हैं। हम यहाँ पर एक हेल्पर फंक्शन अभी के लिए मैं इस फाइल में बना लूँगा, या अगर आप स्टार्ट ही बेहतर करना चाहते हैं तो आप सिंपली उसको यहाँ पे एक लैदा में बना लें, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऑथेंटिकेट यूजर यहाँ पे ये हो गया। और अब हमें यहाँ पे दो चीजें चाहिए जो कि है यूजर का जो डाटा है, यूजर डाटा और यूजर ऑथ टोकन, ये दो चीजें चाहिए, दोनों स्ट्रिंग हैं, ये भी स्ट्रिंग, और जब ये दोनों हमारे पास अवेलेबल हैं यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इतना काम करेंगे कि यूज़र जो विंडो डॉट लोकल स्टोरेज, लेकिन क्योंकि हम साइप्रस को यूज़ कर रहे हैं तो इसकी बजाय हम साइप्रस को ही यूज़ करेंगे ताकि हमारी ऐप भी उसको रीड कर सके, तो इसके लिए हम करेंगे सेट ऑथ डाटा, और ये दोनों चीज़ों को रिक्वायर कर रहा है, और इसको बेसिकली दोनों चीज़ें उस फॉर्म में चाहिए जो एक्चुअल इसकी फॉर्म है ताकि ये उसको यूज़ कर सके, ओके। तो मैं यहाँ से फिर इसको यूज़ कर लूँगा डायरेक्टली बजाय इसके यूज़ करने के, इसे क्लोज करेंगे, इसको एसिंक बनाएंगे, यहाँ पे स्टोरेज लेके आएंगे, यहाँ पर कीज लेके आएंगे, और यहाँ पे इशू ये है कि ये बेसिकली उसको करेगा उस तरह, नो प्रॉब्लम, ये यूज़र डाटा आ रहा है, हम इसको सिंपली डिक्रिप्ट करके तब स्टोर करवा लेंगे, ओके। मीन यहाँ पे अब हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, सबसे पहले यूज़र डाटा इक्वल टू डिक्रिप्ट डाटा, उसमें यूज़र डाटा पास करो, और ये जेनेरिक टाइप है तो इसमें हम बता सकते हैं कि ये आई यूज़र रिटर्न करेगा, ये हो गया, ओके। डुप्लीकेट एस टी आर कर लेते हैं, ओके ये यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे ये यूज़र डाटा होगा या नल होगा उसके बाद, और इसको बेसिकली लेट सबसे पहले करते हैं, और सॉरी कॉपी, सो
सॉरी, यहाँ पर ये ट्राई कैच, इसे ट्राई करो, और अगर इफ यूजर डाटा डॉट चले ईमेल कर लो, नहीं तो आईडी कर लो, आईडी ज़्यादा बेहतर है, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज रिटर्न नल। और अगर ये है तो आप सिंपली सेट ऑथ डाटा इन लोकल स्टोरेज, और अब हमारे पास यूजर डाटा भी है और यूजर ऑथ टोकन भी है। ये क्या कह रहा है? ओ सॉरी, ये हमने यहाँ पर एक पैरामीटर में काम करना, ये रहे। और ये भी एसिंक है, इसको भी ये वेट करेंगे, ये यहाँ पे वॉइड रिटर्न करेगा और रिटर्न ट्रू, दैट्स इट। इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पर इस चीज़ को आप चाहें तो सेव कर सकते हैं कॉन्स्ट, और यहाँ पे आप कह सकते हैं यूजर डाटा str इक्वल टू दिस, और इसको क्लोज कर दें और इसकी जगह पे कॉन्स्ट यूजर ऑथ टोकन, और वो इसके इक्वल है। यहाँ पे अब आप करेंगे, और ये काम हम बिफोर ईच में कर सकते हैं, जब विजिट किया उसके बाद हम ये काम करें, और यहाँ पे ऑथेंटिकेट यूज़र करें, यहाँ पे इसको एसिंक कर लें, यहाँ पे ऑथेंटिकेट यूज़र में हम यूज़र डाटा स्ट्रिंग पास करें और यूज़र ऑथ डाटा पास करें, और वंस अगेन ये जो है यहाँ पर ये जेनेरिक टाइप में नहीं है। ओके, इसके जो तीन ओवरलोड्स हैं, अच्छा ये है की एनी टाइप की एनवायरमेंट वेरिएबल और ऑब्जेक्ट लाइक और होस्ट, और यहाँ पे हुआ। ओके, इसको ऐसे करें, सबसे पहले हमने यहाँ पे इसको चेक करना है इफ ये, और ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, अगर ये दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करते तो फिर कुछ भी करने का यहाँ पे फायदा नहीं है। अब वेट करो, कॉन्स्ट रिजल्ट दिस, और यहाँ पर बेसिकली आप सिंपल एक कर सकते हैं लेट यूजर इज ऑथेंटिकेटेड, ऑब्वियसली वो स्टार्ट इसको चले फॉल्स कर लें जैसे भी आप, और यहाँ पर इसको इस तरह कर दें बोलियन और नल सिंपल, यहाँ पे आए, यहाँ पर आप इसको फॉल्स रिटर्न कर दें सिंपली, और यहाँ पे इसको कह भी दें कि ये जो रिटर्न करेगा बुलियन करेगा, और ऑब्वियसली वो प्रॉमिस में होगा। यहाँ पे आ जाए वापस, ये हो गया, और इसमें आप सिंपली कर लें, अगर यहाँ पर इसके बाद ये हो गया और ऑथेंटिकेट होने के बाद हमने इसको किए करना है सी वाई डॉट विजिट, अब हमने बेसिकली उसका जो पेज है वो चेंज करना है। ओके, यहाँ पर हो जाएगा ऐप रूट्स डॉट माई अकाउंट ये, और लास्टली यहाँ पे अब हम देख लेंगे इफ यूजर इज ऑथेंटिकेटेड देन, हम यहाँ पे सी वाई डॉट लॉक कर लें यूजर ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली, अदरवाइज और यूजर ऑथेंटिकेशन फेल, यहाँ पे आते हैं और अब देखते हैं क्या होता है। ओके, ये क्या कह रहा है? ये यहाँ पे कह रहा है द फॉलोइंग एनवायरमेंट
सॉरी द फॉलोइंग एरर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम योर डैशबोर्ड नॉट फ्रॉम साइप्रस। सबसे पहले इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं देखने के लिए क्या। ओके अब इसको देखना पड़ेगा, ये कह रहा है वी डायनामिकली जनरेटेड अ न्यू टेस्ट टू डिस्प्ले द फेल कैन नॉट रीड ऑफ अनडिफाइंड। ओके जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर सी बाय दिस ये ऑथेंटिकेट हुआ है, ये इसको कॉल कर रहा है, इसमें हम ई एन वी इसको कॉल कर रहे हैं और वो इस चीज़ को कॉल कर रहा है। ओके और ये चीज़ आई थिंक मसला कर रही है क्योंकि वो उसमें नहीं है, इसमें कोई इतना इशू वाली बात नहीं है। हम जो ऑथेंटिकेशन वाला काम है वो यहाँ पर खुद लिख देते हैं, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कर रहा था, ये हेल्पर जा रहे हैं इसमें भी। सबसे पहले इसको डिक्रिप्ट वगैरह करके देखते हैं ये डिक्रिप्ट होता है कि नहीं, अगर तो डिक्रिप्ट करते वक्त भी ये एरर दे रहा है तो उसको फिर हमें मूव ऑन करना पड़ेगा, उसका लॉजिक भी ज़रा थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कैसे होगा। यहाँ पर इस चीज़ को मैं अभी के लिए कमेंट कर रहा हूँ, रिटर्न टू कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। रिफ्रेश ओके, अब इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर रहा हूँ और इसको ये कर रहा हूँ और ये देखते हैं ये पास होता है कि नहीं। अच्छा ये कह रहा है कि साइप्रस डिटेक्टेड यार यू रिटर्न अ प्रॉमिस फ्रॉम अ कमांड वाइल आल्सो इनवोकिंग वन और मोर सी वाई कमांड्स इन दैट प्रॉमिस। द कमांड दैट रिटर्न द प्रॉमिस वाज दिस, अ कमांड यू इनवोक इनसाइड द प्रॉमिस वाज because Cypress command are already promise like you don't need to wrap them or return your own promise. Cypress will resolve your command with whatever the final Cypress command is used. Okay. Because this added a curtain. Okay. इसको करते हैं, ये बेसिकली यहाँ पर नहीं है। फिर हम ये कर सकते हैं कि इस चीज़ को डॉट देन में लगा दें और रिजल्ट और रिजल्ट और इस चीज़ को इसमें करते हैं, देखते हैं। अच्छा अब ये क्या कह रहा है, थिंक इसको मसला हो रहा है। यहाँ पर अच्छा ठीक है, ये इस चीज में इशू कर रहा है जब हम उसे करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके यहाँ पर अब बेसिकली जब प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं तो ये इस चीज़ को यहाँ पर अगर मैं एसिंक कहता हूँ तो इसको भी एरर कहता है। ओके नो प्रॉब्लम, साइप्रस बिफोर ईच एसिंक। ओके ये बेसिकली साइप्रस की जो रैप की कमांड है ये बहुत ज़बरदस्त है। खैर मैंने सिर्फ रैप लिख दिया, साइप्रस रैप जो कमांड है ये चीज़ों के बेसिकली वेट करती है उस चीज़ों के यील्ड का, इफ द ऑब्जेक्ट व्हाटसो एवर, और ये चीज़ मेरे जहन से निकल गई थी। हम यहाँ पे वापस आएंगे, इसको इसमें वापस कन्वर्ट करेंगे जो भी हम कर रहे थे, इधर वापस आ जाएंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको भी करेंगे
ये ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को हम कर देंगे cy डॉट रैप, और अब ये क्या कह रहा है, जस्ट वन मिनट, cy डॉट रैप ये बेसिकली प्रॉमिस बोलियन और ये अब अननोन है। ये यहाँ पे कह रहा है कि मुझे प्रॉमिस बुलियन असाइन हुआ है, ऑप्शन जो है वो है, और यहाँ पे वापस आते हैं और इस तरह से इसको मैं सिर्फ और सिर्फ लॉक करवा रहा हूँ अभी के लिए। यहाँ पे cy डॉट लॉग रिजल्ट, और ये कह रहा है कि ओके ये अननोन है, ये जेनेरिक टाइप है। ओके, ये डिपेंड करता है कि मैं इसको क्या यहाँ पर कर रहा हूँ। इसको अभी के लिए यहाँ से ख़त्म करते हैं और देखते हैं कि ये रिजल्ट क्या देता है। रिफ्रेश, ओके द फॉलोइंग, ये अब एरर वही जो लास्ट एरर था उसका है। हमें इसकी फंक्शनैलिटी को यहाँ पे मूव करना पड़ेगा, ये जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं उन चीज़ों को, और इन्वायरमेंट वेरिएबल्स ओके, अभी के लिए मैं इन फंक्शंस को, जो फंक्शंस हमें चाहिए उनको वहाँ पे मूव करा रहा हूँ, और फंक्शंस मूव करने के बजाय मैं सिंपली जो उनका सिर्फ लॉजिक है वो ही मूव करा रहा हूँ, क्योंकि पूरे फंक्शंस मूव करते वक्त तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, और ये इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। ये वैल्यू जो है इसकी जगह ये चीज़ आएगी, और ये क्रिप्टो सीक्रेट जो है इसको हम इसमें ऐड कर लेते हैं अभी के लिए, बाद में इसको देखेंगे इसका क्या तरीकाकार हो सकता है और बेहतर। और यहाँ पे हम आएंगे, इसको यूज़ करेंगे ये, और ऑब्वियसली ये होना चाहिए डबल कोट्स क्लोज, ये हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पे अब साइप्रस भी नहीं, ओके साइप्रस यहाँ पे अवेलेबल है, दैट्स गुड। तो फिर हमें इनको रिसीव करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यही कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए कंटिन्यू करते हैं। सी वाई एन वी डॉट, यहाँ पे अब मुझे वो चाहिए क्रिप्टो सीक्रेट, इसको करो सॉरी यहाँ पे नहीं, ये इस चीज़ पे, इसको यहाँ पे करना है एक असाइन, और इसको यहाँ पे करना है, इस चीज़ को यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो है इसकी जगह पे डायरेक्ट हम इधर से उठा लेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा यूज़र डाटा टू स्ट्रिंग, ये भी वहीं से आ रहा है, और ये जो है आई यूज़र डाटा, और ये यूज़र डाटा आ गया। यूज़र डाटा में अगर आईडी है तो उसके बाद फिर स्टोरेज का काम करना, स्टोरेज का काम भी अभी हमें डायरेक्ट ही करना पड़ेगा। प्रेफरेंस को पकड़ो, इधर आ जाओ, और इधर प्रेफरेंस को सेव करो, और प्रेफरेंस यहाँ पर अवेट डॉट सेट, और यहाँ पर ऑप्शंस में की जो की है वो है लोकल स्टोरेज कीज डॉट यूज़र डाटा, और उसकी वैल्यू जो है वो है इनक्रिप्टेड वैल्यू, जो कि हमें यहाँ पे इसको फिर डिक्रिप्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट ये जो इनक्रिप्टेड वैल्यू है उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने मीन इसकी ज़रूरत नहीं है।
यूज़र डाटा की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि यूज़र डाटा स्ट्रिंग कॉन्स्ट यूज़र डाटा str इक्वल टू दिस एंड यूज़र डाट ऑथ टोकन इक्वल टू यूज़र ऑथ टोकन। अगर ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो हम अज्यूम करेंगे कि ओके है काम, और इसको हम यहाँ पे साइन कर देंगे, इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे। ये क्या कह रहा, ओके एनी हो सकता है, इसको हम कह देंगे जस्ट वन मिनट, यहाँ पर इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और डॉट ट्रिम या फिर वो ट्रिम ट्रम भी यहाँ पे लगा देते हैं, डॉट फ्रेम और दैट्स इट। और इस पर भी हम स्ट्रिंग कर देंगे, इसको ट्रिम कर देंगे, यहाँ पे कहेंगे कि लेंथ इसकी हो, यहाँ पे इसकी लेंथ हो, और ये अभी क्या कह रहा है, ओके यहाँ पे वैल्यू आएगी ना कि ये। और इसी तरह यहाँ पे यूज़र ऑथ डाटा और उसकी वैल्यू जो है वैल्यू, ये दोनों चीज़ें असाइन हो जाएंगी और फिर हम रिटर्न कर देंगे। और अगर इसके दौरान कोई भी एरर आता है तो फिर हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। सेव, इसको क्लोज किया, इसको क्लोज किया, और एक मिनट उसमें वापस आते हैं। जो हेल्पर्स हैं साइप्रस के, इसमें मैंने सिर्फ ये देखना है कि जो अनयूज चीज़ें हैं उनको ख़त्म करना। ओके ये ठीक है, यहाँ फिर ये उस पर हो सकता है, इसको बस यहाँ पर आने दो, इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये करने दें। और इसमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और लास्टली इसको करो, यहाँ पे आए और आप देखते हैं, विजिट करेगा और ऑथेंटिकेट करेगा द ऐप। यहाँ पर अब ये चेक करना है ऑथेंटिकेशन फेल, क्योंकि बेसिकली हमने उसको सेट नहीं कर पाए, और यहाँ पर हमने ये देखना है कि एप्लीकेशन में डाटा सेट हुआ कि नहीं। ये सेट हो चुका है, मतलब हमारा जो काम है वो ठीक है। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो ऑथ डाटा है वो सेट हो चुका है, और उसके अलावा बेसिकली अगर हम ये देखना चाहें कि ओके ऑथ डाटा क्या है क्या नहीं है, तो हम यहाँ पे अपनी ऐप में आ सकते हैं। ओके और इसके लोड पर ऑब्वियसली जब मेन लेआउट में आ जाते हैं, लेआउट में, मेन लेआउट में, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कॉन्स्ट रिजल्ट या ऑथ डाटा, गेट ऑथ डाटा, और ये आई थिंक एसिंक है। ओके इसके लिए अभी यूज़ की हमारे पास हुक नहीं है, वो एक्सपेरिमेंटल है, उसके लिए फिर हमें यही करना पड़ेगा, यूज़ इफ़ेक्ट में जाना पड़ेगा, दिस दैट और वॉइड एसिंक ये अवेट कॉन्स्ट ऑथ डाटा ये, और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करना पड़ेगा ये, और यहाँ पे लॉग मैसेज इस चीज़ को। और यहाँ पर देखिए इसी के साथ अगर यहाँ पे आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो होपफुली हमें कम से कम जो ऑथ डाटा होगा वो यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑथ डाटा है उसमें इसको, बस एक मिनट, ये यहाँ पर
सही इतना एक्सपेंड नहीं कर रहा, बस एक मिनट दें क्योंकि वो लोड कर रहा है जो भी है। ये आप देख सकते हैं कि जो यूजर डाटा है वो करेक्ट है, और जो ऑब्वियसली टोकन है वो भी यहाँ पर करेक्ट है। मीन के हमारा जो ऑथ डाटा हम स्टोर करवा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। हमने अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक काम करना है जो कि है, इसको क्लोज कर दें। और ये रैप में बेसिकली मुझे इसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर चाहिए, प्रॉमिस रिजॉल्व दिस एंड दैट रिजॉल्व रिजल्ट, मुझे इसमें यहाँ पर इसका रिजल्ट चाहिए, जो कि मैं यहाँ पे लेट्स से कंसोल लॉग करवाता हूँ। कंसोल लॉग करवाते हैं और ये ट्रू आ गया है, बेस्ट है। यहाँ पे होवर करके देखते हैं, अननोन आ रहा है लेकिन एटलीस्ट हमारे पास यहाँ पे है। और इसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे असाइन कर देते हैं, और यहाँ पे इशू यह होगा कि ये कहेगा क्योंकि आप बुलियन को अननोन को बुलियन के साथ साइन नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे एज बुलियन ये बुलियन होगा। ओके यहाँ पे एज बुलियन कर देते हैं यहाँ पे, और आप सेव करते हैं। अब ये ऑथ डाटा हुआ और उसके बाद यहाँ पर ये लॉगिन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे ये जो माई अकाउंट है उसके पेज पे लैंड भी सक्सेसफुली होना चाहिए। ये बेसिकली जो यूज़र की APIs हैं उनको हिट कर रहा है यूज़र डाटा ETC लाने के लिए, ये सारी सक्सेसफुली पास होनी चाहिए और यहाँ पे हम माई अकाउंट के पेज पर लैंड होने चाहिए। ये मूविंग फॉरवर्ड हम इन APIs को भी मॉक कर देंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हैं। यहाँ पे हम बेसिकली इनका डाटा, यहाँ से जब ये सक्सेस हो जाती हैं तो इनका डाटा सिर्फ पकड़ेंगे और इनको मॉक कर देंगे, दैट्स इट, ताकि इन पे हमारा टाइम वेस्ट ना हो। इन दोनों को मॉक करेंगे और सिंपल उनको कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माई अकाउंट के पेज पे हम सक्सेसफुली लैंड हो गए हैं, मतलब कि हमारा जो यूज़र है वो प्रॉपरली ऑथेंटिकेट हो चुका है। एक चीज़ जो सिर्फ मैं यहाँ पे टेस्ट करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर मैं यहाँ से फॉल्स रिटर्न करता हूँ तो वो सही तरह ट्रीट होता है कि नहीं होता। सेव, यहाँ पे देखते हैं। वंस अगेन ये बेसिकली सारे जो डाटा उसको फिर फेच करेगा, ETC वगैरह, उसमें ज़रा टाइम लगेगा जो API रिक्वेस्ट है हमने, लेकिन होपफुली ज़रा जल्दी पास हो जाएगी इस दफ़ा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र ऑथेंटिकेशन फेल, सिर्फ मुझे यही यहाँ पे चाहिए था। और यहाँ पर हम एक चीज़ सिर्फ लगा लेंगे कि अगर ये हुआ है, ऑथेंटिकेटेड हो गया तो ही ये करो, अदरवाइज एल्स बेसिकली CY डॉट सिंपल उसको रहने दो, वो क्योंकि एल्स के केस में खुद ही मैनेज कर लेगा। इसको ये कर दो, यहाँ पे ये करते हैं, और इसी के साथ हमारा ये जो काम है वो कंप्लीट हो गया। और आप ये वाले लॉक्स जो हैं वो भी यहीं पे मूव कर सकते हैं, एल्स दिस, और इसको मूव कर दो यहाँ पे ये कह दो रेडी टू स्टार्ट। अब नेक्स्ट जो हमने काम करना है आगे कंटिन्यू करने से पहले वो ये है कि हमने इन APIs को मॉक करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो API है बेसिकली दो दफ़ा कॉल हो रही है। उसका जो रीज़न है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और वो मोस्ट प्रोबेबली आप में से काफ़ियों को आता भी होगा, वो ये स्ट्रिक्ट मोड है। क्योंकि ये जो रिएक्ट का स्ट्रिक्ट मोड है ना, ये डेवलपमेंट में APIs को डबल कॉल कर देता है। अब आप देखेंगे कि ये जो APIs हैं वो एक एक दफ़ा ही कॉल होंगी। पहले आप देख रहे थे कि जो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब जो API है वो एक दफ़ा ही कॉल होगी। ओके, पहले ये एक ज़्यादा दफ़ा कॉल हो रही थी। ये जैसे ही कंप्लीट होगा यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे वापस आते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि इसको विजिट ना करें हम डायरेक्ट, और ये भी हमें यहाँ पे नहीं चाहिए क्योंकि
क्योंकि वो काम भी हम वहाँ पे कर रहे हैं, ऑथेंटिकेट करें और उसके अकॉर्डिंगली बस आगे कंटिन्यू कर दें, दैट्स इट। यहाँ पे हमें और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सेव करते हैं और एक दफ़ा फिर देखते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट हुई है कोड में। इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पर आके क्लोज और स्टार्ट अगेन, और अब देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी अगर मैं एप्लीकेशन टैब में आऊँगा तो कोई ऑथर डिटेल नहीं है, मैं जैसे ही यहाँ पे आऊँगा ऑथर डिटेल सेट हो जाएगी और अब वो यहाँ पे बेसिकली रीडायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और अब आप देख रहे हैं कि एटलीस्ट पहले से कम जो एपीआई कॉल्स हैं वो, लेकिन अभी भी यहाँ पे ये जो है ना एपीआई कॉल्स दो दफ़ा कॉल हुई हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक दफ़ा गेट यूज़र की एपीआई कॉल करे और ज़्यादा ना करे, लेकिन अभी पहले से ये काफ़ी बेहतर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट ये काम करेंगे कि इस एपीआई को मॉक करेंगे। एक काम मैं यहाँ पे कंफर्म कर लूँगा कि अभी ये इसको एक दफ़ा फिर रीरन करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये प्री फ्लाइट है, ये एक्चुअल है, उसके बाद ये प्री फ्लाइट है, ये एक्चुअल है, मतलब सिर्फ ये दो दफ़ा कॉल हुई है। अब मैं इसको यहाँ से मेन में आके ये इसको रीनेबल करूँगा। एक दफ़ा उसको रीनेबल करने से पहले इसको फिर रन करके देख लेंगे कि अभी भी ऐसे ही है, ये प्री फ्लाइट है, ये एक्चुअल कॉल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बेसिकली जो स्टेटस कोड होता है, यहाँ इसको ख़त्म करके देख सकते हैं, ये प्री फ्लाइट है, 204 प्री फ्लाइट होती है, फिर एक्चुअल है, प्री फ्लाइट और एक्चुअल, दैट्स इट। और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर मैं ये स्ट्रिक्ट मोड को दोबारा ऐड करूंगा और दोबारा टेस्ट करेंगे। अगर यही रहता है तो हम इसको ऐसे रहने दें, सेव क्लोज, और यहाँ पर एक दफ़ा एक कंप्लीट रिफ्रेश कर लूँगा। ये सारा कुछ रिफ्रेश कर लेगा, एक दफ़ा दोबारा रीलोड कर लेगा, और अब हम देखेंगे कि क्या कितनी दफ़ा, अगर सिर्फ दो दफ़ा ही कॉल होती है तो सिर्फ हम उसको वैसे ही रहने दें। ओके, ये प्री फ्लाइट, ये एक्चुअल, उसके बाद देखते हैं आप ये, और ये प्री फ्लाइट थी, ये एक्चुअल है, ये प्री फ्लाइट है और ये एक्चुअल है, दैट्स इट। दो दफ़ा ही हो रही है तो हम उसको वहीं पर रहने देंगे ताकि उसका इश्यू ना हो। यहाँ पे आप इस काम को इम्प्रूव करने का एक तरीका कार और हो सकता है, लेकिन अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। ये काम हो गया, यहाँ पर प्री फ्लाइट एक्चुअल, प्री फ्लाइट एक्चुअल, दैट्स इट। ओके, ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अब हम ये देखेंगे कि हम एपीआई को इंटरसेप्ट कैसे कर सकते हैं। बेसिकली वो हमने पहले देखा हुआ है, लेकिन अब हमें सिर्फ इंटरसेप्ट नहीं करना, डाटा का मॉक भी करना है कि हम अपनी इनका यहाँ से डाटा कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से ये जो डाटा आ रहा है, हम सिंपल जैसे ये एपीआई रिक्वेस्ट आएगी हम उसी वक्त एक्चुअल रिक्वेस्ट को ख़त्म कर देंगे और इस डाटा को रिटर्न कर देंगे। इसी तरह जैसे ये रिक्वेस्ट आएगी हम एक्चुअल रिक्वेस्ट को ख़त्म कर देंगे, ये डाटा रिटर्न कर देंगे ताकि हमें वेट ना करना पड़े, सिर्फ ये वजह। चलते हैं उसकी तरफ। जैसे मैंने कहा कि हम ये डाटा हमें रिक्वायर होगा, हम इस डाटा को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे एक और बना लेते हैं, मॉक डाटा, उसमें इंडेक्स डॉट टी एक्स, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, अपडेट यूजर स्टेटस एपीआई रिस्पॉन्स इक्वल टू दिस, और इसी तरह इसको भी कॉपी कर लेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। यहाँ पर आप एक ही कर सकते हैं ज़रा अपनी आसानी के लिए, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एपीआईज मॉक डाटा, और इसमें होपफुली आपने गेस कर लिया होगा, ये हो जाएगा ऐसे और इस तरह से, यहाँ पे हो जाएगा गेट यूज़र डाटा, ये और इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही काम चल जाएगा। इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे अब कंटिन्यू करेंगे, ब्राउज़र में आते हैं, इन चीज़ों को क्लोज कर देते हैं, ये हमें ज़रूरत है, इसको भी क्लोज करते हैं, इसको भी, और यहाँ पे साइप्रस मॉक एपीआई रिस्पांस, ये नेटवर्क रिक्वेस्ट में देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, और यहाँ पर सर्टिंग दिस दैट यूज सर्वर दिस सजेशन दैट, ओके, ये बेसिकली एक्चुअल टर्म है, स्ट्रैप रिस्पॉन्स,
ओके हमने इंटरसेप्ट करना है, एस यूज़र आ गया और ओके यहाँ पे आ जाते हैं और इसमें यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे ये रहा स्ट्रबिंग रिस्पॉन्स और ओके ओके ये फिक्सचर इसको भी देखते हैं ये क्या चीज़ है। और मेनली हमारा वैसे ये है, ये जो इंटरसेप्ट रिस्पॉन्स है इसे पहले करके देखते हैं कि ये हमारा यहाँ पे काम करता है कि नहीं। हमें चाहिए सी वाई डॉट इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट हमने क्या करना है गेट कंप्लीट एपीआई, सॉरी गेट एपीआई नो कंप्लीट एपीआई यूआरएल ये चाहिए हमें। और यहाँ पे अब हमें चाहिए एपीआई यूआरएल्स डॉट गेट यूज़र डाटा और इसमें हमें एक उसके अलावा यहाँ पे मुझे ये देखना है गेट यूज़र डाटा, और क्योंकि मैं माई अकाउंट में था इस वजह से कुछ और फैच नहीं हुआ यहाँ पे। आप स्टैटिक क्योंकि डाटा तो एपीआई मॉक डाटा आई थिंक उसमें गेट यूज़र डाटा ये हो गया। और इसी तरह इन दोनों को दूसरे को भी कर देते हैं ताकि वेट अगर ये काम करता है अपडेट यूज़र स्टेटस और अपडेट यूज़र स्टेटस दैट्स इट, सेव करते हैं देखते हैं ये हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसी वक्त ये काम सेव हो गया। लेकिन वंस अगेन इसमें मसला क्या होगा कि वो मैं आपको बता देता हूँ, जब हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे होंगे अगर मैं यहाँ पे अब नेम को अपडेट कर देता हूँ, लेट्स से कि मैंने इस नेम को कर दिया है A1S और अब मैं अपडेट करता हूँ, बेसिकली अपडेट की कॉल पूरी कंप्लीट हो जाएगी और जैसे ही गेट की कॉल होगी यहाँ पे अभी तो ये कंप्लीट हो गया और ये कंप्लीट भी प्रॉपर सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर अगर मैं एंड पे आ जाता हूँ तो अभी ये फ़िलहाल बस पेंडिंग है, इसको थोड़ा सा टाइम दें, जैसे ये कंप्लीट होगा फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट है और ये एक्चुअल रिक्वेस्ट है और इसमें ये कह रहा है कि एरर आ गया है इसको, ओके नो प्रॉब्लम, रिफ्रेश करते हैं और ये इसमें करते हैं एवन एसन अपडेट और वो क्रॉस ओरिजन की वजह से फेल हो रहा है। ये शायद हमारा बैकएंड स्ट्रोक हो गया, इसको दोबारा क्लोज करते हैं, दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। ये बस सर्विस ऐसे ही काम करती है। तो इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये फिर डिले ले रही है काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट होने में, इसको बंद करते हैं, यहाँ पे इसको बंद करते हैं, इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं और इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं। चलें अब ये स्टार्ट हो गई है, फिर एक दफ़ा इसको रिफ्रेश करते हैं, ये लोड हो गया और इसको ये कर देते हैं अपडेट करते हैं और होपफुली अब की बार ये पास हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे अभी ये दिखा रहा है क्योंकि हम बेसिकली हमारा कोड इस तरह का है कि हम इसके रिस्पॉन्स में अपडेटेड डाटा रिटर्न करें, मीन कि अब जो बैकएंड एपीआई में है वो ये डाटा है। लेकिन अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एसन आ जाएगा क्योंकि ये डाटा हमने मॉक किया हुआ है। इस वजह से ये थोड़ा सा इशू है कि हम यहाँ पर इस चीज़, और जैसे उन्होंने इसमें कहा भी था कि इंटरसेप्ट करते वक्त जो स्टेबिंग के जो डिसएडवांटेजेस हैं कि नो गारंटी मैच एक्चुअल सर्वर डाटा, क्योंकि हमने अपडेट कर दिया तो अब ये कोई गारंटी नहीं है कि एक्चुअल सर्वर डाटा हम यूज़ कर रहे हैं, दैट्स इट। यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, उसको हम करते हैं लेट्स से के इसमें यूज करते हैं एनवायरमेंट वेरिएबल में, अभी के लिए इसको फॉल्स कर देता हूं और ए
इनेबल कर देते हैं, इनेबल। ओके, इसको मैं ऐड कर दूंगा यूटिल्स में, ईएनवी में, इसमें ये ख़त्म हो गया, इसमें ये। और यहाँ पे इफ साइप्रस डॉट ईएनवी और यहाँ पर सी वाई ईएनवी डॉट दिस, अगर ये है तो इसको यूज़ कर लो, अदरवाइज एक्चुअल डाटा को फेच कर लो, ताकि चले हमारे पास दोनों कंट्रोल हों। यहाँ पे अब ये एक्चुअल डाटा फेच करेगा जो कि बैकएंड रिक्वेस्ट से आ रहा होगा। यहाँ पे अब थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये बैकएंड में एपीआई कॉल करेगा, वहाँ से डाटा को फेच करेगा और फिर प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। नीचे आ जाते हैं एक्चुअल रिक्वेस्ट पे, ये न्यू रिक्वेस्ट हैं, इनको ज़रा टाइम लगेगा, जैसे ये कम्प्लीट होंगी फिर हम कंटिन्यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अब अपडेटेड डाटा है। और अब इसका फ़ायदा ये है कि अगर हमने इसी तरह, मैं बाकी जगह पे भी इसको यूज़ करूँगा, और अगर हमने बेसिकली मॉक डाटा, स्टेप डाटा को यूज़ करना होगा, तो हम सिर्फ सिर्फ यहाँ पे आएंगे, ईएनवी कीज में इसको ट्रू कर देंगे और सेव करेंगे, और ये बेसिकली जो मॉक डाटा उसको यूज़ करने लग पड़ेगा। इसको इस ख़त्म करें यहाँ पर, जो कि एटलीस्ट रिलेटिवली काफ़ी फास्ट होगा। नेक्स्ट, अब मुझे, मैं यहाँ पर आता हूँ और इसके नेटवर्क टैब में आता हूँ, मुझे इसका जो ये है न्यूज़ सर्च आर्टिकल्स, इसका रिजल्ट चाहिए। कॉपी ऑब्जेक्ट, इसको क्लोज़ किया, और अभी के लिए ओके, इसको क्लोज़ किया, यहाँ पे इसमें आए और इसमें ये हो गया, ये इसकी एपीआई को यहाँ से कॉपी कर लो। और इसके लिए मैं एक अलहदा पेज ही बनाऊँगा क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा है। खैर, उसके अलावा इसमें आ जाओ, जैसे इसका डाटा आता है इसको भी मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा, और इसी के साथ एटलीस्ट हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। एक मुझे डिटेल का भी डाटा चाहिए, लेकिन उसके बिना भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि हम जो व्यू डिटेल पेज है ना उसको यूज़ कर रहे होते हैं यहीं से, जो डाटा हमारे पास होता है उसके थ्रू। यहाँ से हम इसका डाटा भी कॉपी कर लेंगे, कॉपी ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर इसको, यहाँ से इसका नाम, फॉर्मेट, और बेसिकली ये जो लंबे टेक्स्ट हैं इसको हम छोटा कर सकते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा टेक्स्ट वैसे ही ज़रूरत नहीं है, मॉक डाटा तो लिटरली इतने टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से कुछ भी एक पॉइंट पकड़ें और वहाँ से यहाँ तक कट कर दें इसी तरह। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। खैर, अभी मैं इस पर और ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाह रहा, तो बाकी जो है वैसे ही रहने दें। क्लोज करें, इधर आ जाएं, हमारे पास जो डाटा है वो अवेलेबल हो चुका है। इसके बाद हमने अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो आगे काम करना है वो ये है कि ये जो चीज़ है इसको देखना, इसको हम एक हेल्पर फंक्शन में कॉल कर सकते हैं। जस्ट वन मिनट, यहाँ पे आता हूँ और इसमें कहता हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट मॉक या इंटरसेप्ट स्टैब एपीआई रिस्पॉन्स दिस, और इसमें बेसिकली एक मुझे पैरामीटर चाहिए
गेट यूजर डाटा, गेट यूजर डाटा बोलियन, इफ गेट यूजर डाटा देन ये वाला काम, और यहाँ पे सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो बेसिकली ये है ये नेबल है कि नहीं। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं बाई पास ग्लोबल चेक, या बाईपास ईएनवी चेक बोलियन, और ये यहाँ पे इन दोनों में से एक चीज हो जाए तो हम इस चीज को यहाँ पे ये कर सकते हैं। सेम इसी तरह हम इसको करेंगे यहाँ पर, और होपफुली आपने गैस कर लिया होगा ये यहाँ पर इस तरह हो रहा होगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पर आएगा, बुलियन आएगा, और दैट्स इट। इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे हम सिंपली इसको करेंगे कॉल, और यहाँ पे जिस जिस डाटा को हमने बेसिकली मॉक करना उसको सिर्फ और सिर्फ ये कह देंगे। और अभी के लिए इसको अगर यहाँ पे देखें तो ये ट्रू है, और यहाँ पे आए वी रन करें तो आप देख सकते हैं कि ये मॉक जो है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं बेसिकली ये सिर्फ पेज को लोड कर रहा है, जैसे ही पेज लोड होता है डाटा उसी वक्त लोड हो जाता है। और अगर मैं इसको यहाँ पर ग्लोबल में फॉल्स कर देता हूँ तो वो जो एक्चुअल रिक्वेस्ट है उनका वेट करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें अब ये जो गेट और दोनों रिक्वेस्ट हैं उनका वेट करने लग पड़ा है। और इसमें एक लास्ट जो काम हम कर सकते हैं वो ये है कि बाईपास दिस ट्रू सेफ, और जैसे ही हम ये करेंगे तो फिर ये दोनों को बाईपास कर देगा। तो हमने इसको और ज़्यादा फंक्शनैलिटी को बेहतर कर लिया, इसको अभी के लिए ट्रू कर देंगे बाईपास, और दैट्स इट। यहाँ से अब हम कंटिन्यू करेंगे और ये माई अकाउंट पेज के जो टेस्ट हैं उनको लिखेंगे। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना लिख देंगे कि ओके जो यूजर डाटा है वो यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, मीन के ये बटन इनेबल होना चाहिए। यहाँ पे हम कुछ टाइप करें तो ये इनेबल हो जाना चाहिए, अगर वापस में आ जाते हैं तो फिर ये डिसेबल होना चाहिए, और अगर सारा कुछ ख़त्म कर देते हैं तो फिर ये जो मैसेज है ये शो होना चाहिए ये। और उसके अलावा एक जो टेस्ट हमने लिखना है वो ये लिखना है कि यहाँ पे अगर हम कोई नया नाम लिख के सबमिट करते हैं तो जो बेसिकली अपडेट वाली एपीआई रिक्वेस्ट है उसमें जो ये नया नाम लिखा था वो आना चाहिए उसके रिस्पांस में, और उसको हम मॉक नहीं करेंगे क्योंकि वो म्यूटेशन है। म्यूटेशंस को मॉक नहीं किया जाता, ऑब्वियसली आप कर सकते हैं लेकिन ना करें प्लीज़, और सिर्फ क्यूरीज को किया जाता है जो ताकि जो डाटा फैचिंग है वो फास्ट रहे, लेकिन एक्चुअल जो डाटा अपडेशन है बैकएंड में वो मतलब इफेक्ट ना हो। यहाँ पर इसको ख़त्म कर दूंगा और इन दोनों को, इसको, और इसी के साथ हम इसमें आएंगे, यहाँ पर इसे ऊपर ले जाऊँगा, इसे ऊपर ले जाऊँगा, और यहाँ पर मुझे दो और चाहिए जो कि ऑब्वियसली मैं यहाँ से ले रहा हूँ। इस चीज़ को कॉपी करूँगा ये, और इस चीज़ को कॉपी करूँगा ये, इन दोनों को कॉपी करूँगा यहाँ पर, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा, और इसको मैं यहाँ पे कॉल करना भूल गया, और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर दूँगा यहाँ पर, दैट्स इट। इसी के साथ ये हमारा कंप्लीट हो गया इंटरसेप्ट की एपीआई की कॉल। इसे क्लोज कर देंगे, इसे क्लोज कर देंगे,
और इसी के साथ हमारा जो फ्लो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और जो टेस्ट केसेस मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हमने कुछ न्यू कॉन्सेप्ट सीखे, जिसमें हमने ये देखा कि एनवायरनमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने ये देखा कि यूजर को कोड के थ्रू हम ऑथेंटिकेट कैसे कर सकते हैं, और उसके अलावा हमने ये भी देखा कि हम किसी भी एपीआई को इंटरसेप्ट कैसे कर सकते हैं, उसके रिस्पॉन्स डाटा को मॉक कैसे कर सकते हैं, जिससे कि उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत ही कम हो जाता है और हमारी जो बेसिकली टेस्टिंग है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। यहां से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और जो माई अकाउंट पेज है उसके टेस्ट केसेस को फाइनलाइज करेंगे। इस वंस अगेन इस कोर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ और सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कोर्स से फायदा हासिल कर सकें और ऑटोमेशन टेस्टिंग सीखकर अपने करियर में ग्रो कर सकें। कोर्स के रिलेटेड, वीडियो के रिलेटेड, चैनल के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.